सर, आज के गर्मी के दौर में एसी एयर कंडीशनर का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप हर एक घर में देखोगे एक एक दो दो तीन तीन एसी भी लगे हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हरप्रीत जी, पहली बात तो ये कि एसी आपकी ऐसी मजबूरी बन चुकी है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब इस तरीके से आप एसी को यूज़ करें ताकि वो नुकसान ना करें। एसी की अगर डायरेक्ट हवा आप बैठे हैं और आपके घुटनों पे लग रही है तो वो जॉइंट पेन देगी, और ये 100% देगी ही देगी। अच्छा, क्योंकि इसका जो रेफरेंस आप उठाते हैं तो वो एक शब्द आता है प्रवात। प्रवात का मतलब जहाँ पर एयर का फ्लो है उसके ठीक सामने आप बैठे हैं, ठीक है, एयर का, कोल्ड एयर का डायरेक्ट फ्लो है उसके आप ठीक सामने बैठे हैं, और अगर वो आपके जॉइंट्स पे लग रही है तो वो आपको 101% जॉइंट पेन तो देगी ही देगी। तभी कुछ लोग बुजुर्ग जो हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि मेरे घुटनों में दर्द हो रही है, बट उनको असली रीज़न शायद नहीं पता। बिल्कुल, जैसे ठंडी हवा आपके घुटनों पे लगेगी तो शीत गुण से वायु बढ़ती है, तो ठंड एक गुण होता है, शीत एक गुण होता है, इससे वायु बढ़ेगी। और मैंने आपको बताया था पिछली रील में कि पूरी बॉडी में जहाँ पर भी दर्द होगा वायु के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि आचार्य चरक कहते हैं कि न ही वाता द्रते शूलम, वायु के बिना शूल संभव ही नहीं है। इसलिए अगर आप ये जो एयर का डायरेक्ट फ्लो है इसको आप किसी चीज़ से रोक लें, जैसे आप अगर सो रहे हैं तो आप कुछ ओढ़ कर सोएं, आपके जो जॉइंट्स हैं वो एक्सपोज नहीं होने चाहिए एसी की डायरेक्ट जो फ्लो है, एयर फ्लो है उसमें एक्सपोज नहीं होना चाहिए, तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी ये कि आप एसी का टेम्परेचर जो है वो 26-27 के बीच में रखें हमेशा। कई लोगों को बहुत ज़्यादा एसी को ठंडा करके और रूम ऐसे इस तरीके से सोने की आदत है तो वो बहुत डेंजरस है उनके लिए। हम ऐसे देखते हैं कि 25 ईयर के 30 ईयर के लोग आ रहे हैं जॉइंट पेन की शिकायत लेके, तो वो इन्हीं रीजंस की वजह से आते हैं। तो मीन्स हमें अगर एसी चलाना भी है तो 26 या 27 तक उसको, बिल्कुल हमें ऐसा ही रखना चाहिए कि टेम्परेचर एसी का हमारा जो है वो कंट्रोल रहे, और बाकी आप एसी तो यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरह की इम्पॉर्टेंट जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।